इस सीरीज़ के तर्जमे के दौरान मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, ख़ास तौर पर कुरानी तर्जमे या अहादीस के तर्जमे, तो इसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्लीक़ आदम का ऐलान और अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुतअद्दिद पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कश्तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह तकदीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फुसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे इससे इनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और मुआफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने इनका कसूर मुआफ़ कर दिया, बेशक वो मुआफ़ करने वाला और साहिब रहम है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो इसकी पैरवी करना, जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की इनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। हमने इन आयात की मुफसिल वजाहत तफसीर में कर दी है। यहाँ हम सिर्फ इन आयात का मुख्तसर मफहूम बयान करते हैं। मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक का इरादा जाहिर फरमाया, जिनकी हर नस्ल पहली नस्ल की जगह लेगी, जैसे कि एक और मुकाम पर फरमाया है, और वही है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया, और फरमाया वो तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक की खबर दी, जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले खबर दी जाती है। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मज़ीद मालूमात और इसकी हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए उन्होंने अर्ज की, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कश्तो खून करता फिरे। इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज करना था, ना बनी आदम के मुकाम मर्तबा का इनकार मकसूद था, और ना इन्हें इंसानों से हसद था, जैसा कि बाद लोगों को गलत फहमी हुई है, बल्कि इस सवाल का मकसद महज इसकी हिकमत मालूम करना और मजीद मालूमात हासिल करना था। क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
फरिश्तों को मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूकात मसलन जिन्नात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले ज़मीन पर आबाद थे, उन्होंने कत्ल व गारत की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिनों को समुंदरों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेशे नज़र उन्होंने कहा, और हम तेरी तस्बीह हम्द और पाकीज़गी बयां करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा तेरी इबादत करते हैं, हम में से कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करें तो हम मौजूद हैं, जो दिन रात किसी कोताही या उकताहट के बगैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी इनमें नबी रसूल सिद्दीक शहदा और नेक लोग पैदा हों। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।